Good morning, students. Today we are going to study chapter 4 of 11th class, that is basis of accounting. So one of the main objective of accounting is to ascertain the profit or loss of a business enterprise at the end of an accounting period. There are two bases of ascertaining profits or loss, namely cash basis and accrual basis. So let us first understand what do we mean by cash basis of accounting. In this system of accounting, the incomes and expenses are not recorded until they are received in cash. In other words, credit transactions are not recorded at all and are ignored till cash is actually received or paid for them. This means हम लोग किसी भी transaction को जब तक अपनी books of accounts में record नहीं करेंगे, जब तक कि उसके बदले में हमको कैश मिला हो या हमने पे किया हो. अगर हमने कैश ना लिया है ना दिया है, सिर्फ वो उधार ट्रांजैक्शन है, then it will not be recorded in the books of accounts. Thus, profit is merely the excess of cash receipt in respect of sale of goods and other incomes over actual payments in respect of purchases of goods, expenses on wages, salaries, rent, etc. Income or profit is calculated with the help of a receipts and payments account. This basis is useful for professional peoples like lawyers, doctors, chartered accountants, etc. ये वही उन्हीं लोगों के लिए बेटर होता है जिन लोगों का कोई भी काम उधार पर होता ही नहीं है. इसीलिए लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इन सब लोगों को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी होती है. पर एक बात ध्यान रखिएगा, दिस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. वन, दिस बेसिस इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइज द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ मैनी पीपल्स. क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल है, मैंने आपको बता दिया पैसे आएंगे रिकॉर्ड करेंगे, पैसे जाएंगे हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम लोगों को और कुछ करना ही नहीं है. So it is very easy to maintain. It does not require the use of estimates and personal judgments also. इसमें कोई estimates or personal judgments की जरूरत नहीं पड़ती है. It is suitable for those enterprises where most of the transactions are on cash basis. और ये उन transactions, उन enterprises, उन units के लिए beneficial होता है जिनका काम totally cash basis पे होता है. इसका एक एग्जाम्पल होता है, जैसे हमारे घर पे दूध वाला आता है दूध देने के लिए, तो दैट पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स, तो द मिल्क विल बी मेंटेनिंग हिज अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइजेस बिकॉज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स एंड इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस. जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हैं, जो हमने अभी पे नहीं करे हैं या हमने प्रीपेड करे हुए हैं यानी कि एडवांस में पे करे हुए हैं, या ऐसी कोई इनकम जो हमारी इनकम तो हो चुकी है मगर हमको मिली नहीं है, या फिर ऐसी कोई इनकम जो हमको एडवांस में मिल गई है जो अभी हमने अर्न नहीं करी है, इन सबको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करता. हमको सिर्फ इस बात से मतलब है पैसा मिला या नहीं मिला. नेक्स्ट, इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. फॉर एग्जाम्पल, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल हैव टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ द पीरियड इन विच पेमेंट इज मेड इंस्टेड ऑफ द पीरियड इन विच बेनिफिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देम. मैंने आपको बताया था कोई भी फिक्स्ड एसेट होती है उसके बेनिफिट्स हम लोगों को आगे के ईयर्स में भी मिलते हैं. जैसे कार, अगर हमने कोई कार परचेज करी है तो क्या हम सिर्फ एक ही साल उसको यूज करेंगे या हम उसको साल दर साल यूज करते रहेंगे? हम उसको नेक्स्ट ईयर में भी यूज करेंगे, उसके बाद भी यूज करेंगे, जब तक कि वो पूरी तरीके से डैमेज नहीं हो जाती. पर फिर भी हम इसके बेनिफिट्स तो आगे के ईयर्स में रिसीव कर रहे हैं मगर हम इसके पूरे एक्सपेंसेस को, जितने की हमने परचेज करी है पूरा अमाउंट हम इसी साल के एक्सपेंसेस में ट्रीट करके कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इसको हम एज एन एक्सपेंस मान लेंगे. There is great possibility of manipulation of profits in cash basis of accounting because payments may either be delayed or made early, and similarly incomes may be postponed or collected early. हम क्या कर सकते हैं,
अगर हमको लग रहा है कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स ऑलरेडी ज्यादा हो चुके हैं और अभी कोई सेल हो रही है, तो हमने उससे बोल दिया कि भैया एक काम करो, अभी 4 दिन रह गए हैं ईयर क्लोज होने में, तो आप हमारे को पेमेंट 4 दिन बाद दे दीजिएगा, अभी मत दीजिए, है ना। उससे क्या होगा, हमारी वो जो इनकम होगी वो हमारी नेक्स्ट ईयर में काउंट हो जाएगी, इस ईयर में काउंट नहीं होगी। तो दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ अ मैनिपुलेशन ऑफ टर्म्स। सिंस कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन कैश बेसिस, देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। क्योंकि मैंने आपको बताया फिक्स एसेट हमने परचेज करी और उसको हमने इसी साल के सारे एक्सपेंस में ट्रीट कर लिया और पूरी वैल्यू को माइनस कर दिया, तो हमने क्या किया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो इट वॉज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच यू विल अंडरस्टैंड इन द फ्यूचर क्लासेस, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक डिफरेंस ऑफ द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज Companies Act 2013 does not recognize it, as I told you previously. So these are the disadvantages of the cash basis of accounting. Let us talk about the accrual basis of accounting. Accrual means whenever the expenses are due, they have to be recorded. Whenever the incomes are due, they have to be recorded, whether the cash has been received or not. So in this system of accounting, the incomes and expenses are recorded when they are earned or accrued and incurred or become due, irrespective of the fact whether cash is received or not, and the cash is paid for the expenses or not. हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमने पैसा दिया है कि नहीं दिया है, हमें मिला है कि नहीं मिला है, पर अगर हमने कोई सेल करी है, चाहे पैसे मिले या ना मिले, हमको उसको उसी डेट पर रिकॉर्ड करना है जिस दिन हमने सेल कर दी। जिस दिन हमने कोई एक्सपेंस इनकर कर लिया, चाहे हमने उसके अगेंस्ट में पेमेंट किया है या नहीं किया है, वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द सेम डे। सो हेंस इन अक्रूअल बेसिस प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड इज अ रिजल्ट ऑफ द मैचिंग ऑफ द रेवेन्यूज अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो उस साल में या उस वक्त में जितने भी हमारे इनकम्स हुई हैं उनको हम मैच करेंगे उसी साल के एक्सपेंसेस से, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड इनकम्स हैं या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इनको हम एडजस्ट कर देंगे। तो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट डिस्क्लोजेस ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड and also depicts true financial position of the business at the end of a particular period, because it takes into account all transactions relating to the particular period and takes into account all adjustments like outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and incomes received in advance. It follows the matching principle of accounting. Matching kyun? Is saal ki expenses jo honge hum unko compare karenge इसी साल की इनकम से, अगर कोई एक्सपेंस इस साल से रिलेट नहीं करता है तो हम उसको अल्टरनेटिवली डिडक्ट कर देंगे। देयर इज कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स इन अक्रूअल बेसिस बिकॉज इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अंडर दिस मेथड वी मेक द डिस्टिंक्शन ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि कोई हमने फिक्स एसेट परचेज करी है से 10 लाख रुपीज की और उसकी लाइफ 10 इयर्स की है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि वो एसेट पर ईयर उसका एक्सपेंस हमारे को 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स यानी कि 1 लाख होगा। तो हम अपनी बुक्स में सिर्फ 1 लाख रुपीस को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, 10 लाख रुपीस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ द अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज रिकॉग्नाइज बाय द कंपनीज एक्ट 2013 और ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस, इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यस, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट, एंड इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टीमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। हियर वी हैव टू मेक एन एस्टीमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स एज बीन टोल्ड टू यू अंडर प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, provide for all anticipated losses but don't provide for anticipated income. Where we are expecting any kind of loss, that loss is said to be an estimate and it has to be provided
दो इट हैज नॉट येट अक्रूड, वो लॉस अभी हुआ हो या ना हुआ हो, मगर अगर हमें मालूम है कि ये होने वाला है तो उसको हम अभी से ही प्रोवाइड कर लेंगे. सो इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टीमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स. सो लेट अस टॉक अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑन सर्टेन वैलिड पॉइंट्स. लेट अस सी द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन एज पर फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. Under cash basis of accounting, as I told you, only cash transactions will be recorded and credit transactions will not be recorded. But in accrual basis of accounting, we record both types of transactions, either cash or credit. Next is recording of incomes. Only those incomes are recorded which have been received in cash. All incomes are received in cash in cash basis of accounting. Accrual basis of accounting, all incomes are recorded whether cash has been received for them or not. Next is recording of expenses. In cash basis of accounting, only those expenses are recorded which have been paid in cash. Whereas in accrual basis of accounting, as I told you, all the expenses will be recorded either outstanding or prepaid or whatever. They have to be adjusted in the books of accounts. So all expenses are recorded whether the cash is paid for them or it is not paid for them. Outstanding expenses, prepaid expenses, accrued incomes and incomes received in advance. In cash basis of accounting, they are not taken into consideration at all. But whereas if we talk about accrual basis of accounting, yes, they are considered. And the adjustments have to be made as per. So distinction between capital and revenue items is not done under cash basis of accounting, whereas it is done under accrual basis of accounting. Legal position, as cash basis of accounting is not recognized by the Companies Act 2013, it does not hold any legal position in the eye of law, whereas it is recognized under accrual basis of accounting. Ascertainment of correct profit or loss. Cash basis of accounting does not ascertain the correct profit or loss because it does not record all the cash and credit transactions. It records only the cash transactions, whereas the credit transactions are ignored. So if the sales are made for this year, they are not recorded, then how come the profits of the business they can come through? But in accrual basis of accounting, yes, it maintains the complete record of the transactions, hence the ascertainment of the profit or loss will be nearly correct. Suitability. Cash basis of accounting is suitable for the professional peoples like doctors, chartered accountants, lawyers, teachers. मतलब ये उन लोगों के लिए suitable होगा जिनका transaction on cash basis होता है, credit पर नहीं होता है. But whereas we talk about if accrual basis of accounting, it has to be followed by each and every enterprise business units. All the business units, business enterprises have to follow accrual basis of accounting. So this is all for this chapter. Thank you and have a nice day. And I hope you might have understood the chapter. Thank you.